हाँ पम्मी, क्या हुआ? तुमने मुझे इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या बात है, बोलो। कल दीदी ने मुझे अपने घर बुलाया था। लोला? हाँ, तो इसमें इतना परेशान हो रही है, क्या बात है? वो तुम्हारी बहन है, तुमसे मिलने के लिए बुलाया। नहीं, उन्होंने आपको मैसेज देने के लिए मुझे घर बुलाया था। मैसेज मेरे लिए? हाँ। क्या मैसेज है, बोलो। दीदी आशु के बगैर बहुत दुखी है। तो मैंने उन्हें इतना दुखी पहले कभी नहीं देखा है। वो रो रही थी, मैंने उन्हें इस तरह रोते हुए भी कभी नहीं देखा। अगर लोला के आंसू सच्चे हैं तो मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है। कम से कम उसे दुख का एहसास तो हुआ। खैर, मेरे लिए क्या मैसेज है? वो आशु को अपने पास रखने के लिए आपसे माफी मांगने के लिए तैयार है। हाँ। ठीक है, मैं उसे माफ कर दूंगा। लेकिन अगर वो मेरी जिंदगी का वो कल लौटा सके तो, वो गुजरे दिन मुझे लौटा सके तो मैं उसे माफ कर दूंगा। यही तो मैंने भी उनसे कहा था। मैं चलता हूं, क्योंकि मुझे देर हो रही है। तो मैं दीदी को क्या जवाब दूं? मेरा जवाब तुम जानती हो पम्मी। उसे कहना कि अब हर किसी को अपनी किए की कीमत अदा करनी पड़ेगी, और आशु से नहीं मिलेगा कभी नहीं। राहुल जी, हम फिर कब मिल रहे हैं? संडे को। ओके, बाय बाय। बाय। Hehehehe